नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निपुण चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा नॉइस फ्लेयर नेक बैंड का और साथ ही सोनी XB400 का। दोस्तों दोनों ही जो नेक बैंड है वो बहुत ही अच्छे नेक बैंड है अपने अपने हिसाब से, पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सा अच्छा लगा। तो दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ नॉइस के बारे में जो मुझे कुछ अच्छे फीचर लगे। दोस्तों नॉइस का जो नेक बैंड है इसमें आपको टच एनेबल्ड ये नेक बैंड है, मतलब कि इसमें कोई आपको फिजिकल बटन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपने यहाँ पर जो एरिया आप देख रहे हैं इसको टच करके ही आप अपने इस नेक बैंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, इस नेक बैंड में कोई पावर ऑफ का ऑन ऑफ का बटन नहीं है, पावर ऑन ऑफ का बटन इन ईयरबड्स में है। जैसे ही आप इनको हटा देंगे आपका नेक बैंड ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप इनको एक साथ रख देंगे तो आपका नेक बैंड ऑफ हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो स्वेट प्रूफ है और इसमें ड्यूल माइक का सपोर्ट भी है। और दूसरी तरफ जब मैं बात करूँ सोनी का जो नेक बैंड कुछ इस तरीके का है, वायर्ड है और इसमें ओल्ड स्कूल आपको बटन्स का सपोर्ट मिलेगा, आपको एक वॉल्यूम ऑन और ऑफ का बटन, साथ ही एक सेंटर में बटन है प्ले पॉज का, इसमें आपको कॉल पिक और एंड करने का भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सेम ये जो नेक बैंड है इसमें आपको मैग्नेटिक नेक बैंड है, जैसे कि आप यूज़ नहीं कर रहे तो मैग्नेटिक की तरह ये एक साथ हो जाएगा। और ये वाला जो नेक बैंड है ये स्वेट प्रूफ नहीं है, जो नॉइस का जो मैंने दिखाया वो स्वेट प्रूफ नेक बैंड है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑडियो की, जो कि सबसे मेन होता है। फर्ज कर लिए आपने ले ली BMW कार ले ली, सब कुछ अच्छा है, ऑडियो अच्छा है, AC अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, पर वो अगर ना चले तो क्या फ़ायदा। वैसे ही जो ये नेक बैंड है नॉइस का जो ये नेक बैंड है 1500 रुपये का, पर इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बेस कुछ ज़्यादा ही अजीब सा है, एकदम लगता है फट फट के आ रही है, और इसका जो छनकार जो है जिसे हम टेरिबल कहते हैं वो भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। उसी मुकाबले में अगर मैं सोनी की बात करूँ, मैं ये कोई पेड मेरा कोई रिव्यू कंपैरिजन नहीं है, ये मेरा खुद का खरीदा हुआ है, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसका जो तो साउंड क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, जो आपको तो इसमें तो बेस मिलेगा, कुछ ज़्यादा जैसे धमक की आवाज़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल बैलेंस्ड है। आपको जब आप इसमें कोई हाई बेस म्यूजिक भी सुनेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा कि हाँ हमको सुन रहे हैं। उसी में अगर मैं नॉइस की मैं बात करूँ तो इसका जो बेस है कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब है, एक 2-3 मिनट के बाद ऐसा लगेगा कि आपको कानों में चुभ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बुराई कर रहा हूँ, मैं इनका कंपैरिजन बता रहा हूँ। और सोनी जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं स्टार्टिंग से ही यूज़ कर रहा हूँ तो सोनी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो साउंड है वो बहुत ही प्रॉपर बैलेंस तरीके से मैनेज किया हुआ है। वहीं जो नॉइस का है इसमें जो साउंड का है इतना अच्छा तरीके से मैनेज नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता हूँ। दोनों ही आपको नेक बैंड में टाइप सी से चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, पर दोस्तों जब जिस चीज़ के लिए आप खरीद रहे हैं वो चीज़ अगर इसमें नहीं मिले तो उस चीज़ को खरीदने का फ़ायदा क्या। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ये है करीब 2500 का, जो कि अमेजोन की जो अभी तो बिग फेस्टिवल सेल है उससे लिया है, और ये भी मैंने नॉइस का भी उसी से ही परचेज किया है। दोनों के जो प्राइस डिफरेंस 1000 रुपये का, ये है 1500 का, ये है 2500 का, पर मेरे हिसाब से इसको लेना ज़्यादा वर्थ करता है, क्योंकि इसको जो ये जो वाला जो नेक बैंड है इसको रखने में भी आपको दिक्कत होगी, आप इसको पॉकेट में नहीं रख सकते। और ये जो सोनी का जो ये नेक बैंड है ये टेंगल फ्री है, आप इसको समेट के आप अपने पॉकेट में भी इसको रख सकते हैं, अगर आप इसे खोलेंगे तो एकदम से खुल भी जाएगा। तो ये भी पोर्टेबिलिटी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पैक हो जाएगा। जो नॉइस का नेक बैंड है वो आप ऐसे पैक नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कंपैरिजन करूँ सोनी का मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा साउंड के मामले में, मतलब कि और पोर्टेबिलिटी के मामले में, और इसको आप ज़्यादा देर तक गले में भी रखेंगे तो पता नहीं लगेगा। और जैसे कि नॉइस का तो नेक बैंड है, अगर आप इसको गले में कुछ इस तरीके से रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से उठा हुआ रहेगा, शर्ट के अंदर भी डालेंगे तो इस तरीके से कुछ उठा हुआ रहेगा ये नॉइस का नेक बैंड। और इन द अदर हैंड सोनी का जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, तो वायर्ड है, इसको छुपा भी लेंगे तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगेगा कि आपने ये पहन रखा है या नहीं पहन रखा है। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा जो वर्डिक्ट है वो ये है कि मेरे को सोनी ज़्यादा अच्छा लगा,
हर चीज के मामले में। हाँ थोड़ा महंगा है पर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनके भी जो जो ऑडियो जो डिवाइसेज हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा कंपैरिजन नॉइज और सोनी के नेक बैंड का, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों कर दो इस वीडियो को लाइक, कर दो इस वीडियो को शेयर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्यूचर में अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।